एक रोड जो 10 साल पहले पास हुआ था वही इस बार बना है। नल जल योजना, किसी के घर में पानी नहीं पहुँच, पानी टंकी लगा हुआ है वार्ड वार्ड में, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है, रास्ते में पानी भर रहा है, रोड पे चलिए तो रोड उसी तरह चूर भांग टूटा फटा हुआ है। इंदिरा आवास सब 20,000 रुपया मांग रहा है। क्यों मांगा जी? मुखिया, उसका चमचा सब, वार्ड मेंबर। अच्छा हाँ, और क्या बता रहे हैं? सड़क नाली कुछ ये सब कुछ नहीं, वो सब उसके पेट में है। बाकी पैसा खेला से पैसा जब बदना चाहिए मुखिया वार्ड में खत्म से करे जनता जाए भाण में खत्म हो गया, जीत गया तो जाके अपना राम सलाम हो गया, कुछ नहीं करता है मुखिया। हम लोग मरा तो हम लोग खबर दिए तो बोला क्या अभी पैसा नहीं मिलता है ना। हम लगातार हर एक ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में हो रही विकास की दौड़। फिलहाल मुखिया का चुनाव होने वाला है, आने वाले कुछ समय में इलेक्शन कमीशन द्वारा चुनाव की घोषणा भी कर दी जाएगी। पर बात यहाँ पर ये अटकती है कि जो मुखिया पिछले 5 साल से हैं, जिनका कार्यकाल अब समाप्त होने को है, उनके द्वारा पूरे पंचायत में, उनके क्षेत्र में और ग्रामीण स्तर पर क्या क्या विकास कार्य हुआ है। हम अभी मौजूद हैं बैजानी पंचायत के पंचायत भवन में और यहां से हमारा सिलसिला शुरू होगा। हम पूरे प्रखंड, पूरे पंचायत का दौरा करेंगे, हर एक गांव, हर एक गली, हर एक वार्ड से जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहां पर क्या क्या विकास हुआ है पिछले 5 साल में, कहां कहां सड़कें बनी, 7 निश्चय योजना कितना सफल रहा, गली नली योजना कितना सफल रहा, जल नल योजना कितना सफल रहा और मुखिया द्वारा किया गया विकास कार्य से ग्रामीण कितने खुश हैं। यहाँ पर अपनी शुरुआत करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे क्षेत्र का भ्रमण हम कर रहे हैं, हमारे हर एक एपिसोड में आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पर हो रहा विकास आखिर कितना सफल है। मुख्यमंत्री या फिर बड़े बड़े अखबारों में जो दावे किए जाते हैं गांवों को विकास की सड़क पर अग्रसर करने की, वो कहाँ तक सच है और हकीकत कितना है, कितना फसाना, इसी बातों का पड़ताल करने हम हर एक गाँव में जा रहे हैं। बैजानी पंचायत की दौरा हमारा अभी से शुरू होने वाला है, हम पूरे पंचायत का भ्रमण करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इस क्षेत्र में, इस पंचायत में आखिर विकास क्या क्या हुआ है और जहां नहीं हुआ है वहां किसकी लापरवाही है, कितना विकास कार्य सफल रहा, मुखिया द्वारा कितना घोटाला किया गया और कहां कहां पर ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधि से बेहद आक्रोशित है। मुखिया का चुनाव इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके, सड़कें, नाले या अन्य सभी सुविधाओं से ग्रामीणों को सजाया सवारा जा सके। गांव को भी विकास की जरूरत है, इन वादों को पूरा करने के लिए मुखिया बनाया जाता है, पर मुखिया द्वारा लूट खसोट चरम पर है। अभी मैं मौजूद हूँ जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी पंचायत में, वार्ड संख्या 5 में अभी मैं आया हुआ हूँ और यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो बताएंगे कि पिछले 5 साल में मुखिया द्वारा क्या क्या विकास कार्य हुआ है और मुखिया विकास कार्य को लेकर कितना एक्टिव है। इन्हीं मुद्दों पर बात कर रहे हैं मेरे साथ कुछ लोग हैं, कुछ स्थानीय लोगों से हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि विकास कार्य क्यों ठप पड़ा है, आखिर ग्रामीण क्यों परेशान है अपने जनप्रतिनिधि से, इसी चीज को लेकर। भैया क्या नाम हुआ आपका? रोशन सर। 5 साल होने वाला है, फिर से चुनाव होगा मुखिया का, फिर वोट मांगने मुखिया साहब गाँव गाँव घूमेंगे, क्या पिछला 5 साल में क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो कोई विकास नहीं हुआ। एक रोड जो 10 साल पहले पास हुआ था वही सर बना है। नल जल योजना, किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा और बाकी जो भी योजना है मुखिया के थ्रू कोई योजना का यहाँ लाभ नहीं मिला अभी तक। सरकार जो है डंका पीट रही है कि हर घर में जल पहुंचा रहे हैं, पेयजल है, शुद्ध जल है, हर गली गली सड़क बन रही है, नाला बन रही है। हमारे साथ यहाँ के युवा हैं। भैया मुखिया के काम से आप खुश हैं? नहीं, वो कोई भी ऐसा काम ही नहीं किया जिससे खुश हो आदमी। तो आपके क्षेत्र में इस प्रकार का पिछले 5 साल से विकास का कोई काम नहीं हुआ, इसके बाद भी आप ग्रामीण लोग कभी मुखिया को इस चीज़ का शिकायत किए? शिकायत तो बहुत बार किया है, सुनता ही नहीं है, वो बोलने से कोई फायदा नहीं है उसको। क्या क्या विकास का हुआ कुछ ऐसा गिना सकते? कुछ ऐसा कोई चीज़ ही नहीं जो गिना सके। पानी टंकी लगा हुआ है वार्ड वार्ड में, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है, रास्ते में पानी भर रहा है, रोड पे चलिए तो रोड उसी तरह चूर भांग टूटा फटा हुआ है, ना ही लाइट का व्यवस्था है किसी की जगह पर, चौक पे जो होना चाहिए कोई व्यवस्था नहीं दिया हुआ है।
हर पोल में एक भेपर होता है, मतलब हर चौक पे या हर पोल में थोड़े थोड़े दूर पर लाइट का व्यवस्था करवाया गया है, जिससे कि रात को ग्रामीणों को परेशानी ना हो। और जैसे ये सड़क है, इसके दोनों बगल नाला का भी प्रावधान होता है, तो आपका समाज इससे वंचित है, इसका आपको ध्यान है? देखिए, यहाँ पे कोई चीज़ काम नहीं किया है। वो फंड तो बहुत आता होगा मुखिया के पास, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है। आप किसी से भी पता कर लीजिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो कि मुखिया के थ्रू हुआ हो। हर चीज़ में घुस ही है। लाइट भी जो गांव में फिलहाल लगा तो सिर्फ गांव वाले के सौजन्य से चंदा इकट्ठा करके लाइट लगा हुआ है, बस यही। मुखिया कोई काम नहीं किया। तो अपने जनप्रतिनिधि से आप नाखुश हैं आगे? और चचा तो बताबो की लागे छो, मुखिया रो काम सही रहले है बार? ना, अभी मुखिया अभी कुछ नहीं किया। तो अब कब करते? अब फनु चुनाव होते, दूसरा मुखिया बनते, या फनु लड़ते चुनाव? अब तो काम समय खत्म हो गया, अब कहिया करते? टाका घूस मांगे छे हर चीज में, इंदिरा आवास में घूस मांगे छे। अच्छा, और हर राशन कार्ड बनाने में घूस लगे छे, हर चीज। आधार कार्ड बनाने के लिए जाइए तो 5 दिन दरवाजे पे जाते हैं तो नहीं होता, कुछ नहीं होता, मुखिया कुछ नहीं करता। ककरा से तोरा घर छौ? इंदिरा आवास फॉर्म भरल तो कुछ नहीं मिलता। इंदिरा आवास सब 20,000 रुपया मांग रहा है। के मांगे छे? मुखिया, उसका चमचा सब, वार्ड मेंबर। अच्छा, हाँ, और क्या बता रहे हैं? अरे सड़क नाली कुछ ये सब कुछ नहीं, वो सब उसके पेट में है। मुखिया जी का पेट में तो वोट जो दिले लो चाचा, बात तो होलो ना तो कि ऐसनी विकास का सब कोठी पर रखी दो छे, कतो गला गली अनसंड मुखिया को कोई अंतर नहीं छे, कोई अंतर नहीं। मुखिया जीत गया 5 साल, यही कहा हम कमा लेंगे 5-6 साल में। जनप्रतिनिधि से लगातार नाखुश हैं लोग, और यहाँ पर जिस प्रकार का भंडाफोड़ हो रहा है, मुखिया द्वारा अपना पॉकेट भरा जा रहा है, और घोटाला चरम पर है, जैसा कि आधार कार्ड बनवाने के नाम पे, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे, या फिर इंदिरा आवास के नाम पर लूट खसोट मचा हुआ है। अभी आप बता रहे थे कि पैसा लिया जा रहा है, किस चीज़ को लेकर पैसा का डिमांड होता है? इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, अगर सरकार 1.5 लाख बोल रहा है तो हम लोग के पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये या 1,20,000 रुपये पहुँचता है। बाकी पैसा कहाँ गया? मोदी खाता है क्या? ये सब मुखिया खाता है। वृद्धा पेंशन का पैसा खा रहा है ना ही। आप यहाँ खेत में भी देखिए, बोलता है जल नल योजना, कहीं कुछ नहीं है। 7 निश्चय योजना एक है सरकार द्वारा चलाई जा रही है, 7 निश्चय योजना, जिसको लेकर की हर गली गली में या फिर ग्रामीण क्षेत्र में सड़क का निर्माण किया जा रहा है, PCC रोड बन रहा है। तो आपके क्षेत्र में पिछले 5 साल में कोई ऐसा नया सड़क का निर्माण हुआ हो जिसका ध्यान हो आपको? 5 साल में बस मुखिया का निर्माण हुआ और कुछ नहीं हुआ है। रोड हम लोग 30 साल से देख रहे हैं, वही रोड है जो पहले से था, जो पैदा हुए थे, और अभी भी वही रोड है। नया गाड़ी खरीदिए, 10 दिन के बाद उसको गैरेज में भर दीजिए, ऐसा ही रोड है यहाँ का। तो मुखिया कोई काम नहीं किया है। नाखुश हैं जनप्रतिनिधि से यहाँ के स्थानीय लोग। ग्रामीणों की परेशानी लगातार हम आप तक पहुँचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर मुखिया द्वारा कितना लूट खसोट किया जा रहा है। जनता को लेकर ठगने की बात तो हर जगह सामने आती है। मुख्यमंत्री द्वारा इस बात का ढिंढोरा पीटा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र को भी विकास के राह में अग्रसर करवाया गया, पर सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि जो सड़कें आज से 20 साल पहले बनी थी, उन सड़कों का अभी मरम्मतीकरण भी नहीं हुआ। जहां नाला होना चाहिए वहां पर सड़कों पर पानी बह रही है, और जिन्हें वृद्धा पेंशन या फिर इंदिरा आवास मिलना चाहिए उनसे पैसे की मांग होती है। एक महिला है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करते हैं। चाची, तुम बता रहे चलो कि इंदिरा आवास तुरा नहीं मिल रहा छो, कहना नहीं मिल रहा छो, की बात छे? कौन पैसे डिमांड कर लो मुखिया सनी की हमरा इंदिरा अभी अभी नहीं गेलो छ, हम अपने मुखिया लग गेले नहीं छ, हमरा सनी अभी नहीं गेलो छ, और बहुत तुल कलम आ छ। ठीक है जी, वोट नहीं गेलो जितने जीते आदमी दूसरे कोई बोल ले नहीं तो बात सुन अच्छे मैं मुखिया लग कहियो दे की बोले छ कि वोट तोरा सनी से मिल लो छ तो यासना काम इन्हें नहीं करबो है। तो हां वो तो ना से तो हम ओकरा पास नहीं कहियो दे, मुखिया लग पास नहीं जोगा फिर मुखिया जोगा फिर तोरे इलाका में सड़क रोड किन्नो कुछ बनना इंदिरा आवास नहीं दिया है, फिर भी मुखिया से खुश है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से।
कोई उम्मीद यहाँ के ग्रामीणों को नहीं है। इसी को लेकर यहाँ के ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और जो होना भी चाहिए, काफी परेशानियों से जूझ रहे हैं। दिन प्रतिदिन सड़कों किनारे नाला नहीं, पानी सड़कों पर बह रही है। और यही जो जायजा, यही जो दौरा हम कर रहे हैं, ये आपको सच्चाई बताने के लिए कर रहे हैं कि मुखिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया गया है, या फिर मुखिया अपना पेट भरने के लिए, अपना पॉकेट भरने के लिए घोटाले के किस चरम तक पहुँच गए हैं। बैजानी पंचायत के वार्ड संख्या 5 का दौरा कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधि को लेकर काफी आक्रोशित हैं। यहाँ तक कि जिन गरीबों के सर पर छत नहीं है, जिन्हें सरकार द्वारा छत देना चाहिए, जिसका वादा सरकार करते आ रही है कि हर गरीबों को पक्का का मकान मिलेगा, सर पर छत होगी, उसकी सच्चाई हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनकी परेशानी कितनी गहन है। चाचा कहना नहीं मिल रहा तुरा घर हमारा कुछ मिल रहा, सब करवा लेकिन की करिए बोलो जान भी हाँ कुछ नहीं आवे जो न पखाना जो न घर जो न आरो कुछ जो न वृद्धा पेंशन मिलो जो दौड़ी रहो बनवाए वास्ते अब देखो मिले छो या नहीं मिले छो की करियो हमें बता कितना दौड़ता दौड़ता सारा थकी के छोड़ी दीजिए परेशान हो जाए। की बोले मुखिया? मुखिया ऐसा अच्छा बना देंगे बना देंगे पिछली बनते अब तो 5 साल हो गए चाचा, अब फनुस चुनाव होते तो दूसरों मुखिया आते ये वह जीतते। अब तो जो जीतते या जीतते जे मैं समझा अब समय चल लो गले समय चल लो गले अब एक समय धर ले जो वृद्धो पेंशन नहीं मिले ना बहान दौड़ी लो नहीं बनवाए वास्ते बहा गलो मां गलो नहीं बहा। अच्छा और भी लोगों से बात करते हैं, कुछ स्थानीय महिलाएं उनसे जानते हैं कि आखिर आखिर क्यों नहीं मिल रहा है इंदिरा आवास। चाची कहना नहीं मिल रहा चौतरा इंदिरा आवास बताओ। की पता हम मुरूख आदमी और हम की जानबे फॉर्म भर ला कागज पत्तर जो जमा हो वार्ड सदस्य और मुखिया के लोग हमारा गौर नहीं छे छपर और की मिलता है मिलता है तो मिलते है। अब तो 5 साल खत्म हो गए चाची बात है सूची में तो नाम माना चाहिए नहीं मिल रहा ना पैसा को लेकर डिमांड हो जा। अब की पता अब मूर्खो आदमी की समझिए ना समझे छी चाची भाभी तो बताओ कहना नहीं मिल रहा छौ अब की पता कहना नहीं मिले छे कैसे नाम में तो सूची में तो मिलतो नाम में तो सूची में तो मिलतो राशन कार्ड 10 साल से नहीं चलो तो इन लॉकडाउन में बनलो छ तो दो बार ही राशन मिलो छ बस। अच्छा तो इतने दिनों से तो कितना दिन हो गेलो तेरा फॉर्म भरला छ? फॉर्म भरना रे तेसरा भरना रे ब्लॉक में जाकर राशन कार्ड के लिए तो नहीं मिल रहे राशन कार्ड। इंदिरा आवास कत्ते दिनों से कही रहल छ मुखिया टलका रहल छ से बताओ बोली रहल छ सूची में नाम आएगा तो मिल जाएगा भाग मारो घूमिए जो पैसा कोड़ी भी डिमांड हो रहल छ अभी पैसा कोड़ी कोई डिमांड नहीं कि सूची में नाम आएगा तब बताया जाएगा। अब समय खत्म हो गेले अब तो मुखिया चुनाव होते 2 महीना बाद अब कहिया दे दूंगा अब ये फिर से मिलवाई बतेतै तब ना। स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और यही जो समस्या है ये अब बरकरार है स्थानीय क्षेत्र में। ये समस्या सभी के साथ है, ना तो घर है ना ही शुद्ध पानी है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ पर गंदे पानियों के भरोसे लोगों को अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। हम पूरे क्षेत्र का भ्रमण करेंगे, आपको हर एक लोगों की परेशानी से अवगत करवाएंगे और बताएंगे कि मुखिया द्वारा आखिर किसी किसी क्षेत्र में विकास तो किसी किसी क्षेत्र में सौतेला व्यवहार क्यों किया जाता है। बैजानी पंचायत के वार्ड संख्या 5 की दुर्दशा हमने आपको दिखाई। यहाँ पर ग्रामीण और स्थानीय लोग अपने जनप्रतिनिधि से काफी नाखुश हैं। फिलहाल हमारे साथ वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य हैं और ये बताएंगे इनके वार्ड में क्या क्या विकास कार्य पिछले 5 साल में मुखिया द्वारा किया गया और जो भी विकास कार्य अभी तक ठप पड़ा है वो क्यों ठप पड़ा है, नाली का आधा निर्माण होकर क्यों रुक गया, सड़क आधा निर्माण होकर क्यों रुक गई, और इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं। है बता बोतो तोरो क्षेत्र छको है इलाका वार्ड तोरो छको एकरा में देखे छो बहुत गरीब एहनो आदमी छो जरा की इंदिरा आवास और जरूरत छे तो इसलिए कहना नहीं मिल रहा छे इंदिरा आवास की कहीं घूस उस और बात छे कि मुखिया एक्टिव नहीं छो। मुखिया एक्टिव है लेकिन बात है कि वो जो है आवास का जो है प्रक्रिया अलग हो गया है। पहले BPL में मिल रहा था अब वो सूची के अनुसार मिल रहा है, अभी सूची जो बन के गया है वो अभी तक आया नहीं है। चाहे बताबो तो कह लो कि हमरा अपनो पैसा लगा के निर्माण करे ले कहे छे नाला आधो में बनवे लिए इसनी नालार तक बहुत जरूरत छौ तोरा इलाका में देख लियो वहां पानी जमा छलो तो हकरो केना काम रुकलो छे। मुखिया योजना देगा तब ना हम लोग काम करेंगे, योजने नहीं दे रहा जो काम नहीं हो रहा है। पैसा दे छौ मुखिया की नहीं दे छौ? नहीं पैसा नहीं दिया।
बोलता है पैसा फंड में अभी नहीं किया तो कहाँ से होगा। दो बार योजना सिर्फ नाम लिखवाया, फिर परसों बोला क्या योजना फिर दो चालू करेंगे। दो बार तो दे दिए लेकिन एक कोठो भी चालू किया नहीं योजना। वो भी कुआं जो है, कुआं का भी स्थिति देख लीजिए कैसा है। बहुत दिक्कत। अच्छा है बताबो तो तोरो क्षेत्र रहे दुर्दशा छो, लेकिन जो मुखिया रो क्षेत्र छे दोगच्छिम तो विकास बहुत हो छे, तो एकरो की कारण यहाँ सौतेला व्यवहार वहाँ इतना है रंग अच्छा विकास तो है ना कि कुछ यहाँ करो वोटरों रो कारण है बात छे या फिर मुखिया पूरा क्षेत्रों का एक नजर से नहीं देख रहे छो। एक नजर से मुखिया क्षेत्र नहीं देख रहे हैं, कहे कि वो जो है अपना विकास अपने वोटर से मिला उसको अपने गांव में, तो उधर ही विकास कर रहे हो। वो तो सिर्फ सात निश्चय योजना चले तो थोड़ा बहुत हर वार्ड में काम हुआ। अच्छा की समस्या जुड़ो चाचा बोल गए चलो हमारा से नहीं, बहुत समस्या छे की समस्या नाला को समस्या छे, नाला को समस्या छे, पानी के समस्या छे, बहुत चीज का समस्या है। तो मुखिया से खुश छो तो मुखिया जी पिछला पांच सालों में काम कर लखा हूँ, पिछला पांच सालों में जो काम कर लखा हूँ मुखिया की काम कर लखा हूँ खुश छो। हाँ पहले पिछला साल जो मुखिया जो आज पांच साल से पहले रोड बनवाया गली गली, अरे है मुखिया जबरदस्त ये मुखिया कुछ नहीं किया है। पांच नंबर वार्ड ये नया मुखिया गया कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, कहना ने काम कर ले छे जबकि दो गच्छी में तो विकास होलो छे तोरा क्षेत्र में विकास कहना ने। हम लोग का क्षेत्र में अभी विकास कहां हुआ है आखिर कहना न लो बोलो। यहाँ पर स्थिति बहुत दयनीय है, यहाँ पर लोग अपने जनप्रतिनिधि पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं अपने क्षेत्र में। है बताओ चाचा कहना नहीं यहाँ विकास हो रहा है। यहाँ कहना सब मुखिया जे बने से वार्ड जे बने से हम अपने कानून नहीं जाने छे है, ओकरा से कानून जाने से मुखिया वार्ड केना काम विकास होना चाहिए हर हिसाब से करे नहीं छे। बाकी पैसा खेला से पैसा जे बरना छो मुखिया भाई बस कोनी खत्म छ गेल जनता जाय भाण में। लेकिन दोगच्छी में जे मुखिया रे अपनो वार्ड छे या अपनो क्षेत्र छे ओकरा विकास होलो छ तोरो क्षेत्र में रो सौतेला व्यवहार कहना दोगच्छी रे मुखिया से कह नी तो हम असने वोटर से ओरा कहना छ कि हमरा असने वोटर से नहीं जीतलो छ अपनो दम पर जीतलो छ इसीलिए अपनो वो कर रहलो छ। लेकिन मुखिया तू दोगच्छीर ने पूरा बयानी पंचायत बयानी पंचायत छिके तोहरो कहना से कि हमरो काम नहीं कर लेके हमो को सबरो काम नहीं करबे। अच्छा मतलब यहाँ करो वोटर ओकरा वोट नहीं दिलके तो यहाँ विकास नहीं करते। हां यहाँ कहना से अच्छा आरो के ये तो स्थिति है। यहाँ पर किसी क्षेत्र में भयानक विकास तो किसी क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, वो भी इसीलिए क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ के वोटर हमने यहाँ के वोटर के वोट से चुनाव नहीं जीता है। मुखिया द्वारा ऐसा सौतेलापन एक ही क्षेत्र में करना कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि के ऊपर सवाल खड़ा करती है। घोटाला, खानापूर्ति और हर चीज में कहीं ना कहीं विकास को लेकर ठगा जा रहा है ग्रामीणों को। ज़्यादा आक्रोशित है, ज़्यादा नाखुश है क्योंकि मुखिया द्वारा कोई काम नहीं किया गया है, कहीं पर कोई विकास की कोई चीज नहीं दिख रही है जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। चाची कहना मुखिया कोई काम नहीं कर लो ना, कोई सुन नहीं किया है मुखिया ने। सीधा जब वोट लेने का समय आता है दस बार घूरने आता है और जब वोट खत्म हो गया जीत गया तो जाके अपना राम सलाम हो गया, कुछ नहीं करता है मुखिया। नाला वाला देखे तुरा समाज में नहीं जाओ, रोड है पानी बहता है, रोड पे पानी बहता है, भगत में तो इतना इतना पानी रहता है, कोई नाला ना कोई ना है। बताबो है बताबो घर गाँव में जैसे सड़कों पर एक एक तो लाइट होना चाहिए पेपरों में कहना नहीं चुनते मुखिया का पर भी होना चाहिए जहाँ घूस खाता है वहाँ पर उसका बहुत व्यागत कर देता है सूर्य को देखना नहीं। ग्रामीणों की काफी भीड़ हमारे पीछे आ चुकी है, हम यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ लोग लड़कों से भी बात करेंगे, युवाओं से की दिक्कत है मुखिया पांच साल हो गए लेकिन कहने कोई विकास कर लो कहीं विरोध कर लो ये चीज़ दो लाइट बत्ती इतने दर्जन है देखियो जो पूरा अंधार जो पोलो में खाली सिंगल सब तार लगा दिला जो बाकी बात चली दिला जो नाली नाली ताली कुछ नहीं चाहिए इधर नाली रहती है तो रोड पानी रोड पानी बहे
रोशनी जब देखी रहे बीमारी वाला समय चले कोरोना चले गंदा पानी बहे सारू बीमारी फैले छे रोड पर जब नाली पानी बहता हूँ सारू बीमारी ने पड़ता हूँ बच्चा नो छो तो मुखिया विरोध के नहीं करे मुखिया विरोध कर तैयार छे लेकिन दो गच्छी में तो काम कर लो छो तोरा सतना से उतला व्यवहार है दो गच्छी में काम करके मोहनम से के मगरो उसी में क्या जगह माने कहते हम मैं पहले नहीं घर घर कर लो जो टूटा फूल के नीचे नहीं पता नहीं करता है पूरा पंजाब भी पहले नहीं जिला कौन सा अपना कमर कर लगा है इस तक हमारा काम की कर लगे हर वार्ड घूम रहे हैं उधर से आ रहे हैं रुकन हो गया अब बोले चकनी बोले नहीं छो ना तो सड़कों का काम हुआ है ना ही नाले का यहाँ तक कि जो पोल पर बिजली की बत्ती लगनी चाहिए थी गांववासी अंधेरे में इंदिरा आवास के नाम पर वृद्धा पेंशन के नाम पर भी ठगी हो रही है यहाँ तक कि गरीबों के दाह संस्कार के लिए भी मुखिया द्वारा कोई अनुदान राशि नहीं दिया जा रहा है हमारे साथ बने रहिए हम लगातार चर्चा करते रहेंगे हर ग्रामीण क्षेत्रों में जाते रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि लूट खसोट कितना चरम पर है आखिर जनप्रतिनिधि द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है और सरकार जो डंका पीटती है उसमें कहां तक सच्चाई है। ग्रामीण विकास की जब पड़ताल करने हम निकले तो हमने बैजानी पंचायत का पड़ताल किया। इस दौरान हमें पता चला कि मुखिया द्वारा पिछले 5 साल में सिर्फ लूट खसोट और घोटाला किया गया है। हमने हर एक ग्रामीणों से बात किया, किसी ने भी मुखिया के पक्ष में एक भी शब्द नहीं बोला। यहां तक कि सभी ने बोला कि सड़क बनी नहीं है, कागज के नाम पर पैसा उठ गया, एक भी नाला का निर्माण नहीं हुआ है, ना तो किसी के घर में पानी पहुंच रही है, ना ही किसी गरीब को इंदिरा आवास या कबीर अंत्येष्टि के नाम पर कुछ भी अनुदान दिया जा रहा है। इस प्रकार का लूट खसूट होने के बाद जब हम मुखिया के पास पहुंचे और उनका पक्ष जानना चाहे तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि जो भी मेरे खिलाफ बोल रहे हैं आप वैसा ही चला दीजिए, ना तो मैंने विकास किया है और ना मैं अपने पक्ष में कुछ बोलूँगा। इतना घोटाला करने के बावजूद यदि जनप्रतिनिधि का इस प्रकार का तेवर हमें देखने को मिलता है तो आप समझ सकते हैं कि आपका वोट कितना बर्बाद हो रहा है। अपने जनप्रतिनिधि को चुनते वक्त इस बात का जरूर ख्याल रखें कि वो किसी भी विपत्ति में आपके साथ रहेंगे, आपके समाज का विकास करेंगे। लूट कर अपना घर भरने वाले, अपना पॉकेट भरने वाले ऐसे जनप्रतिनिधियों का आपको कहीं ना कहीं विरोध करना चाहिए। ऐसे जनप्रतिनिधि को आपको सबक सिखाना चाहिए और इसीलिए हम हर पड़ताल हर एक प्रखंड घूम रहे हैं, हर एक पंचायत जा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आपके जनप्रतिनिधि द्वारा क्या क्या लूट खसोट किया जा रहा है। जितना भी पंचायत जिस भी प्रखंड में मैं गया हर एक प्रखंड के मुखिया द्वारा अपना पक्ष रखा गया, उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को बताया गया, पर बैजानी पंचायत के मुखिया द्वारा साफ तौर पर अपना पक्ष रखने से मना कर दिया गया। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि ना तो मैं विकास करूँगा और ना ही मैं कुछ बोलूँगा, मेरी मर्जी है, मैं मुखिया हूँ। अब ये बात उन्हें कौन समझाएगा कि प्रजातंत्र में मुखिया होना एक सेवक होना होता है, ना तो किसी प्रकार के कोई अधिकारी। इसी प्रकार से आप बने रहिए, मुखिया द्वारा किए जा रहे हर एक घोटालों को आप तक पहुंचाएंगे। आप इसका खुद आकलन कर लें कि वैसे जनप्रतिनिधि जो अपना पॉकेट भरने में दिन रात व्यस्त हैं उन पर आप वोट देकर अपने समाज को कहां पहुंचा रहे हैं। आप मेरे पीछे शायद मुखिया जी को भी देख सकते होंगे और आप समझ सकते हैं खाली बैठे हुए हैं, कहीं पर कुछ डील पैसा कौड़ी का बात चल रहा है पर बाइट देने के नाम पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। देखते रहिए सिल टीवी, पूरी पड़ताल आप तक पहुँचाएंगे।